Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, अगर मैं उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति की बात करता हूं तो लगातार सियासी हलचल मचता नजर आता है। और जिस तरीके से बिहार में अभी अभी MLC का चुनाव हुआ था, जिसके बाद दोनों पार्टियों में NDA और RJD अलायंस में जबरदस्त तरीके का टक्कर देखने को मिला था। हालांकि पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से NDA विधान परिषद में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी भाजपा का जबरदस्त तरीके का तांडव देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से बिहार की राजनीति है, बिहार की राजनीति में तमाम नेता इधर से उधर चुनाव नहीं होने के बावजूद भी लगातार शामिल होते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को एक बड़ा झटका लग गया है। जहां बात करें तो RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह ने मंगलवार को राज्य की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया है। बता दें कि जनता दल यूनाइटेड बिहार में लगातार RJD में सेंध मारी कर रही है। अजीत सिंह ने जदयू की सदस्यता लेने के बाद RJD पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि RJD में कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होता है और उन्हें जलील किया जा सकता है। अजीत सिंह की पार्टी की सदस्यता दिलाने के मौके पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह ने कहा कि RJD व्यापार करने वाली पार्टी है। RJD नेता के बेटे इसलिए हमारी पार्टी में आते हैं क्योंकि वहां उन्हें अपने पिता का अपमान देखा नहीं जाता है। RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पसंद नहीं करते हैं, तो वहीं कई मौके पर उनके खिलाफ बगावत भी कर चुके हैं। हालांकि लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से उनके अच्छे संबंध हैं, तो वहीं दूसरी तरफ JDU लगातार RJD नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश जुट गई है। जहां बात करें तो जगदानंद रामगढ़ विधानसभा सीट से कई बार विधायक रहे हैं और लालू प्रसाद यादव की सरकार में उन्होंने मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली है। लेकिन जब 2014 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय जो है 2014 के विधानसभा चुनाव में जगदानंद RJD के टिकट पर बक्सर लोकसभा सीट से सांसद बने और अपनी जो विरासत थी वो अंबिका यादव को दे दी। हालांकि अंबिका यादव उपचुनाव में जीत दर्ज किए, उसके बाद एक और चुनाव हुआ उसमें भी जीत दर्ज कर विधायक बने, लेकिन अचानक से इस बार उनका पत्ता काट दिया गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल जगदानंद के बड़े बेटे सुधाकर सिंह को RJD से टिकट दिया गया और कड़ी मुकाबलों में महज 200 वोटों से RJD के टिकट पर जगदानंद के बड़े बेटे विधायक बने और अब जगदानंद के छोटे बेटे जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब आगामी विधानसभा चुनाव के चुनाव होते हैं तो किस तरीके से वो दोनों प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? क्या इससे लालू प्रसाद यादव की पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.